चलिए हम लोग चैप्टर दूसरा स्टार्ट कर चुके थे, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड टेंसर, और उसमें शायद एक टॉपिक अपन का कंप्लीट हो चुका है, क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। आज हमें नया टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ, क्रोनेकर डेल्टा फलन क्या होता है, कैसे ओपन करते हैं, कैसे सॉल्व करा जाता है, वो सब कल प्रॉपर्टीज इसकी पूरी डिफाइन कर चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं क्रोनेकर डेल्टा फलन। आज जो पढ़ना है हम लोगों को वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ मैं, देखते हैं आगे। आइए, आज पढ़ना है मैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, आपको कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। आपको कोऑर्डिनेट दे रखे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, एक्स वाई जेड, आपको तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स वाई जेड। आपको ट्रांसफॉर्म जो करना है ना, टेंसर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, टेंसर फॉर्म में दो फ्रेम के अंदर निकालना है, एस फ्रेम के अंदर और एस डैश फ्रेम के अंदर। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है एस फ्रेम क्या होता है, एस डैश फ्रेम मैकेनिक्स में पढ़ के आए हो। एस फ्रेम के अंदर हम पॉजिटिव वाले लेते हैं, एस डैश के अंदर अपन नेगेटिव, दो फ्रेम लेते हैं अलग अलग, उसमें पढ़ते हैं, वो एक एस फ्रेम ले लेते हैं, एक एस डैश फ्रेम ले लेते हैं। ऐसे ही आपको, अब आपको कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, एक्स वाई जेड, आपको टेंसर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इन एस फ्रेम और इन एस डैश फ्रेम। दो फ्रेम के अंदर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करके लाना है, एस फ्रेम के अंदर और एस डैश फ्रेम के अंदर। इन विच फॉर्म, टेंसर फॉर्म। कार्टेशियन को टेंसर रूप में लिखना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को टेंसर फॉर्म के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं, यहां पर आज हम देखते हैं। आइए, आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक्स वाई एंड जेड, तीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं हमारे, तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैं इनको टेंसर फॉर्म में लिख रही हूँ, टेंसर फॉर्म में कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, आते हैं टेंसर फॉर्म में, इन टेंसर फॉर्म, टेंसर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स को लिखते हैं हम एक्स वन, एक्स को लिखते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को टेंसर फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट को टेंसर फॉर्म में लिखते हैं एक्स वन, वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं एक्स टू, और जेड कोऑर्डिनेट को लिखते हैं हम एक्स थ्री। मैंने अगर एक्स वन बोला है टेंसर फॉर्म में, तो मतलब मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रही हूँ कार्टेशियन फॉर्म में। अगर मैंने टेंसर फॉर्म में एक्स टू बोला है, तो मतलब मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रही हूँ। अगर मैंने एक्स थ्री बोला है, तो मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के जेड कोऑर्डिनेट की बात कर रही हूँ। ये तो आपके कार्टेशियन सिस्टम में होते हैं ऊपर वाले, और नीचे वाले इसका टेंसर फॉर्म है, नीचे वाला इन्हीं कोऑर्डिनेट्स का टेंसर फॉर्म है। अब मुझे इसको दो फ्रेम में अलग अलग पढ़ना है, एस फ्रेम में और एस डैश फ्रेम में, आते हैं। ये तो हमने जो पढ़े हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ये तो है हमारे एस फ्रेम में, टेंसर फॉर्म है, लेकिन कौन से फ्रेम के अंदर है, एस फ्रेम के अंदर। अब इसी टेंसर फॉर्म को मैं एस डैश फ्रेम में लिख रही हूं, इसी को मैं किस में लिखती हूँ, एस डैश फ्रेम में। आइए जरा, एक्स वन को लिखेंगे टेंसर में ऐसा है, तो एस डैश में कैसा होगा, बार लग जाता है, डैश के लिए लग जाता है ऊपर बार, एक्स बार वन,
x बार टू और x बार थ्री, ये टेंसर, ये दोनों टेंसर फॉर्म है, दोनों टेंसर फॉर्म है, एक एस फ्रेम के लिए है और एक एस डैश फ्रेम के लिए है। ऊपर वाली एस फ्रेम के लिए टेंसर फॉर्म है, नीचे वाली एस डैश के लिए टेंसर फॉर्म है। आगे पूरे चैप्टर में बार और बिना बार वाले फंक्शन आएंगे और टेंसर फॉर्म में आएंगे, तो आपको याद रखना है जहां पर मैंने बार लगा रही हूँ वो मैं एस डैश फ्रेम के लिए बात करूंगी, और जहां में मैंने बार नहीं लगाया है वहां मैं एस फ्रेम के लिए बात करूंगी। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो आपको पता है एक्स वाई जेड ही रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं ऊपर वाले से, वो तो आप अलग से पहचान जाएंगे। एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आएगा तो आप समझ जाएंगे ये टेंसर फॉर्म की बात कर रही हूँ इन एस फ्रेम के अंदर। एक्स बार एक्स बार लग जाएगा तो वही टेंसर फॉर्म है, लेकिन ये कौन से फ्रेम के अंदर है, एस डैश फ्रेम के अंदर। अब आपको है ना इसका वो करना है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है आए देखते हैं। नीचे लिख रही हूँ, हमने लिया जो x बार वन है, तो ये कौन से फ्रेम की बात हो रही है, एस डैश फ्रेम की। x बार वन जो है वो किस किस का, किस किस फंक्शंस का, किस किस फंक्शन को डिफाइन करता है। x बार वन तीन से लिया हमने x y z, माना हमने जो x बार वन है वो किसका फंक्शन है, x का y का z का। सेम x बार टू भी किससे लिया है, इन्हीं से आया है, तो x बार टू भी किसका फंक्शन है, x का y का z का। x बार थ्री भी किसका फंक्शन है, x का y का और z का। तो ये तीनों है वो x y z के फंक्शन है। अब हमने x बार को आपने मैकेनिक्स के अंदर फर्स्ट ईयर में कन्वर्जन पढ़े थे, ट्रांसफॉर्मेशन, एस डैश को एस फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या इक्वेशन मिलती है, मैकेनिक्स के अंदर आप लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, मैकेनिक्स के अंदर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि एस फ्रेम को एस डैश फ्रेम में कन्वर्ट जब करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो कौन सी इक्वेशन से ट्रांसफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट यूनिट के अंदर ही था मैकेनिक्स की, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस फ्रेम इंटू एस डैश फ्रेम, वो इक्वेशन जो तीन इक्वेशन निकली थी फिर उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया था, वो मैं यहाँ डायरेक्ट यूज करूंगी, वो अब मैथमेटिक्स आप पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स के अंदर, उसको वापस से यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है कैसे निकली है क्या करना है। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपने फ्रेमों का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, सी एम फ्रेम को आप चेंज कर रहे हैं, एस को एस डैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर वो तीन इक्वेशन आई थी, वो तीनों इक्वेशन में डायरेक्ट जनरल लिख रही हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं एस को एस में, एस डैश में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस फ्रेम इंटू एस डैश फ्रेम, एस फ्रेम को एस डैश फ्रेम में जब कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। एस डैश के लिए हमने पढ़ लिया क्या होते हैं, तीन होते हैं, एक्स बार वन, एक्स बार टू और एक्स बार थ्री। इनकी जो कन्वर्जन होता है वो क्या करते हो आप, वहां पर करी थी ए वन वन एक्स वन, ए वन टू एक्स टू, ए वन थ्री एक्स थ्री। सेम इसके अंदर ए टू वन एक्स टू, ए टू टू x2, a23, x3, a31, x1, a32, x2, a33, x3। ये आपने कन्वर्जन पढ़ा था s फ्रेम का s डैश फ्रेम के अंदर, फिर आपको इसने आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था, इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं एक्स बार वन, एक्स बार टू, एक्स बार थ्री।
मैट्रिक्स बनाइए इसकी, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। यहाँ आएगा एक्स वन, एक्स टू, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स रूप में लिख दिया इसका, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। ये पढ़ा हुआ है आपने मैकेनिक्स के अंदर, याद है नहीं याद है आप लोगों को? आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे, एस फ्रेम को एस डैश फ्रेम में कन्वर्ट करना, सेंटर ऑफ मास फ्रेम को आपको लेबोरेटरी फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपने इक्वेशंस निकाली थी, वो इक्वेशंस एक उनमें से कोई एक इक्वेशन ये भी थी, तो यही इक्वेशन मैंने वहीं से डायरेक्ट लिखी है, निकाली नहीं है वहां से, मैंने डायरेक्ट लेके यहाँ पर लिखी हुई इक्वेशन है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। ये है आपका कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो है आपके एस डैश फ्रेम के, ये है आपके एस फ्रेम के। तो हमने क्या करा है, एस डैश फ्रेम को के कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट किस में कर दिया है, एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स में। इसमें देखिए ये एस डैश फ्रेम है, ये एस फ्रेम है, तो एस डैश फ्रेम को हमने ट्रांसफॉर्म किस में करा है, एस फ्रेम के अंदर। ये इक्वेशंस आ गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्वेश्चन लिखिए। Prove that प्रूव करके लाना है कि एक्सिस का रोटेशन जो होता है वो लीनियर रोटेशन होता है। Prove that the rotation of axis is a linear transformation, is a linear transformation and also find out the transformation matrix देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपको आपकी रोटेशन एक्सिस है, रोटेशन एक्सिस आपने उसमें पढ़ी थी, आपकी तीन एक्सिस होती है एक्स वाई जेड, आप उसको पकड़ के रोटेट कर देते हो मैकेनिक्स के अंदर। वैसे ही आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के दूंगी, आपको रोटेशन निकालना है। रोटेशन क्या करोगे, एक एक्सिस को तो पकड़े रहोगे जेड वाली को, एक्स वाई को रोटेट कर दोगे, रोटेट करने पर दो फ्रेम बन जाएंगे, एक एस फ्रेम बन जाएगा और एक एस डैश फ्रेम बन जाएगा। फिर आपको एस फ्रेम से एस डैश फ्रेम के अंदर उसके ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। आइए देखिए डायग्राम कैसे बनाती हूँ, ये तीन आपको दे रखे हैं, एक ये तो मैंने माना जेड, ये माना एक्स और ये मैंने माना वाई और ये ओरिजिन है ओ। अब हमें पता है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है एक्स वाई जेड,
अब क्या करना है आपको, इसको रोटेट करना है, रोटेशन एक्सिस निकाला है, प्रूव दैट रोटेशन ऑफ एक्सिस इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको एक्सिस को क्या करना है, रोटेट, घुमाना है। अब मैं क्या करती हूँ, इस एक्सिस को ऐसे घुमाती हूँ कि जो आपका ये दो फ्रेम है, दोनों फ्रेम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, जहां पर इसके अंदर दो फ्रेम रखे हुए हैं, एस फ्रेम भी है और एस डैश फ्रेम, दोनों फ्रेम यही है। एस फ्रेम है तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, और एस डैश है तो मतलब इसके एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, दो फ्रेम है एस और एस डैश, दोनों फ्रेम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, इसलिए आपको ये एक ही फ्रेम नजर आ रहा है, लेकिन मैंने इसके कोऑर्डिनेट अलग अलग लिख दिए हैं, एक्स वाई जेड, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। अब मुझे करना है इनका रोटेशन। रोटेशन कैसे करूंगी मैं, जो ओरिजिन है दोनों का वो भी एक ही है, ओ और ओ डैश। मैं क्या करूंगी, जेड एक्सिस को पकड़ लूंगी यहां से और इसको घुमाऊंगी, इसको जब तक घुमाते रहेंगे जब तक जेड जो है वो तो ओवरलैप ना हो जाए और एक्स और वाई किसी एंगल से घूम ना जाए। हम घुमाते घुमाते एक सिचुएशन ऐसी लाती हूँ कि जेड और जेड डैश तो वहीं पर रहेंगी, मतलब जेड और जेड डैश में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो एक्स है और दूसरी वाली एक्स डैश है, एक्स अपनी जगह रहेगी और एक्स डैश जो है वो घूम के कहाँ जाएगी, जो पहले एक्स डैश यहाँ थी अब वो घूम के कहाँ पहुंच गई, यहाँ पर रोटेट किया है, ये एक्स डैश हट गई और कितने एंगल से घूमी है, थीटा एंगल से, और दूसरी क्या है वाई, सेम इसको ये भी घूम गई अपनी जगह से, ये भी कितने एंगल से घूमी, ये वाई डैश यहाँ थी अब ये घूम के यहाँ पहुंच गई, और ये भी कितने एंगल से घूमी आपकी, थीटा एंगल से। ये याद आया डायग्राम आपको, आपने ये फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि दो तो ओवर एक ओवरलैप लेती है और ऐसे घुमाते हैं ऐसे कि दो आपकी जो कोई भी एक्सिस है वो तो घूम जाए और एक आपकी ओवरलैप रहे, वही चीज है, एक्स और वाई तो आपकी घूम गई तो एक्स डैश वाई डैश अलग हो गया, लेकिन जेड आपकी घूमी नहीं है तो जेड आपकी वहीं पर रहेगी, जेड ओवरलैप है और जेड डैश के ऊपर। अब क्या करना है आपको, इसमें एक पॉइंट मान के चल रही हूँ जिसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। मैंने क्या करा, एक पार्टिकल लिया पी जो इसके ऊपर बैठा हुआ है, मुझे इस पीक पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं दोनों फ्रेम से, एस फ्रेम से भी इसके कोऑर्डिनेट निकालने और वाई फ्रेम से भी इसके कोऑर्डिनेट निकालने। एस फ्रेम से निकालोगे तो एक्स वाई जेड आएंगे और एस डैश फ्रेम से निकालोगे तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश आएंगे, ये तो हमें पता है कि ऐसे आने वाले हैं। निकालते कैसे कोऑर्डिनेट्स, वो मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताया था, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं उस पॉइंट से सामने वाली एक्सिस पर आपको परपेंडिकुलर डालना पड़ता है, तो पहला कोऑर्डिनेट आपको मिल जाता है। अब मैं कोऑर्डिनेट निकाल रही हूँ, पहले मैं एस फ्रेम के लिए निकाल रही हूँ, मतलब एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट निकाल रही हूँ। देखिए कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके लाने हैं। सबसे पहले मैं एस फ्रेम के लिए ला रही हूँ, तो जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो कहाँ डालेंगे, वाई पर। अगर वाई पर डाला तो ये जो किसके पैरेलल है, एक्स के, तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया इसका एक्स। दूसरा मैं डाल रही हूँ एक्स पर, ये किसके पैरेलल है, वाई, तो दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया इसका वाई। तीसरा जेड, जेड के लिए पीछे डालेंगे, पीछे डालेंगे तो तीसरा क्या मिल जाएगा, जेड। इस तरीके से पहला कोऑर्डिनेट आपको मिल गया इसके, ये मैं इनको नाम दे देती हूँ एन, और ये नाम दे दिया मैंने एम। और जो मैंने कोऑर्डिनेट निकाले हैं वो कौन से सिस्टम के लिए निकाले हैं, कौन से फ्रेम के लिए निकाले हैं, एक्स फ्रेम के लिए। अब मैं निकालती हूँ इसी को एस डैश फ्रेम के लिए, आइए कैसे निकालेंगे, फिर दोबारा से पी पॉइंट पर अब डालना पड़ेगा जो परपेंडिकुलर, वो किस पर डालना पड़ेगा, वाई डैश पर, तभी पहला कोऑर्डिनेट निकलता। आइए परपेंडिकुलर डालते हैं इस पर, ये पहला परपेंडिकुलर डाला, इसको नाम दे दिया एन डैश, और इसका जो कोऑर्डिनेट आया वो क्या आ गया, एक्स डैश, क्योंकि ये किसके पहले लाया, इसके पहले लाया तो एक्स डैश। अब दूसरे पर डालना है आपको, एक्स डैश पर डालिए, अब ये किसके पहले ला गया, इसके, तो दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया वाई डैश। जेड के लिए डालना है तो पीछे डालेंगे, पीछे डालते वक्त इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, जेड डैश, इसको नाम दे दिया मैंने एम डैश। ये हमने कर लिया है
हमने दो दोनों के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए एक्स वाई जेड के और एस डैश वाई डैश जेड डैश के। अब आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है एस फ्रेम को एस डैश फ्रेम में। अब इसमें देखो ये वाला तो है आपका एस फ्रेम और ये वाला है आपका एस डैश फ्रेम। आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है एस फ्रेम को एस डैश फ्रेम के अंदर, तो आपको रिलेशन चाहिए कोई ऐसा इस डायग्राम के अंदर, कोई ऐसी लाइन मिल जाए या कोई ऐसा रिलेशन मिल जाए जो एस और एस डैश को ज्वाइन कर दे। अब मुझे कोई या तो लाइन मिलनी चाहिए या कोई रिलेशन मिलना चाहिए, तभी मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती हूँ एस को एस डैश के अंदर। अब देखो कैसे रिलेशन मैं निकाल के लाती हूँ डायग्राम के अंदर, आ जाओ। ये एम पॉइंट है, ये कौन से फ्रेम का है, एस फ्रेम का। और ये जो लाइन जा रही है एन पी डैश पी एन डैश, ये कौन से फ्रेम की जा रही है, एस डैश की। अब मैं इस पॉइंट से, मतलब ये वाला पॉइंट तो आपका एस फ्रेम का है, एस फ्रेम से एस डैश फ्रेम के ऊपर ये एस डैश फ्रेम की लाइन है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे ही ड्रॉ करती हूँ तो मुझे एक ऐसी लाइन मिल जाती है जो दोनों को ज्वाइन कर रही है। अगर दोनों फ्रेमों को जिस लाइन ने ज्वाइन किया है तो उसी लाइन की हेल्प से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एस फ्रेम को एस डैश फ्रेम के ऊपर। इसलिए मुझे वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ा एस डैश के ऊपर फ्रॉम एस फ्रेम से, एस फ्रेम से एस डैश फ्रेम के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर इसलिए डाला क्योंकि मुझे एस फ्रेम को कन्वर्ट करके किस में लेके आना है, एस डैश फ्रेम के अंदर। आगे देखते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस परपेंडिकुलर के पॉइंट का नाम दे दिया एस, मतलब ये जो परपेंडिकुलर डाला है वो क्या नाम दे दिया इसको, एस नाम दे दिया। अब आइए जरा ओ से लेकर एन डैश तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी कहलाएगी, ओ से एन डैश किस एक्सिस पर है, वाई डैश पर, तो ये कितनी हो जाएगी, ओ एन डैश की वैल्यू कितनी होगी, वाई डैश। अगर ओ एन डैश वाई डैश है तो ये आपका एक, तो पी एन डैश का मान भी कितना होगा, वाई डैश, क्योंकि एक चतुर्भुज बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, एक वाई डैश। पी एम डैश की वैल्यू भी कितनी आ गई, वाई डैश, ये वाई डैश हो गया। ओ से लेकर एम तक ये कौन सी अक्ष पर है, एक्स पर, तो ओ से एम तक की दूरी कितनी होगी, एक्स। और ओ एम किसके पैरेलल है, किसके समांतर है, पी एन के, तो पी एन का मान भी क्या होगा, एक्स। पी से लेकर एम किसके समांतर है, ओ से एन तक, ओ एन कौन सी अक्ष है, वाई, तो पी से एन एम तक भी मान कितना रहेगा इसका, वाई, पी एम का मान वाई आ गया। ओ से एम डैश तक का मान कितना रहेगा, ओ से एम डैश कौन सी अक्ष पर है, एक्स डैश पर, तो ओ से एम डैश तक का मान कितना रहेगा, एक्स डैश, तो इसका मान एक्स डैश हो गया। अगर ये एक्स डैश है तो एन डैश से लेकर पी तक भी मान कितना रहेगा आपका, एक्स डैश, तो इसको भी क्या लिख देते हैं, एन डैश से पी तक, एक्स डैश। ये आपको चित्र समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है, ये स्क्रीनशॉट ले लो पहले इस डायग्राम की, ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए बहुत, मतलब जब ये डायग्राम आपके दिमाग में क्लियर है तभी हम आगे आर्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको आपको क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है। आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, अब आर्टिकल स्टार्ट करने जा रही हूं मैं इसका। देखिए यहां पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है एस एम पी, देखते जाइए अच्छे से, एक ट्रायंगल दिख रहा है एस एम पी और इस ट्रायंगल में ये एंगल बन रहा है एस एम पी। इस एंगल को मैंने एंगल का नाम दे दिया थीटा, एस एम पी है वो कितना है, थीटा है। और जो एक्स डैश है ये एक्स डैश कितना है, ओ एम डैश, ओ एम डैश दो तरीके। और ये जो कट रहा है यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट कट रहा है इसको नाम दे दिया टी, ये पॉइंट कट रहा है इसको नाम दिया मैंने टी। आइए जरा इन डायग्राम, एंगल एस एम पी कितना है आपका, थीटा है।
और एक्स डैश, एक्स डैश बराबर कितना है, ओ एम डैश, ओ एम डैश, ओ एम डैश को कैसे लिख सकते हो, ओ टी प्लस एम डैश टी। ओ एम डैश को दो तरीके से मैंने तोड़ दिया इस पूरी लाइन को, ओ से टी तक और टी से एम डैश तक, तो इसे लिख सकते हैं ओ टी प्लस टी एम डैश, ओ टी प्लस टी एम डैश। और जो टी एम डैश है ये वाली लाइन किसके समांतर है, एस पी के, ये देखिए ओ एम टी, ये लाइन किसके समांतर है, एस पी के, तो एम टी डैश की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, एस पी, तो इसको लिख दिया मैंने ओ टी प्लस एस पी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है तो ओ टी एम डैश किसके बराबर हो जाएगा, एस पी के। अब मैं एक त्रिभुज लेके चल रही हूँ ओ टी एम, ये त्रिभुज दिख रहा है नीचे छोटा सा, इस ओ टी एम से मैं ओ टी का मान निकालूंगी, ओ टी की वैल्यू निकाल के लाने वाली हूँ। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, ओ टी एम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ टी एम, ओ टी एम ट्रायंगल में देखते हैं, मुझे जो वैल्यू निकालनी है मुझे ओ टी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझे पता है इस इक्वेशन में अगर ओ टी और एस पी की वैल्यू रख दूंगी मैं, तब मेरी एक्स डैश फ्रेम जो आगा, एक्स डैश जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जो एक्स डैश है उसकी वैल्यू कब फाइंड आउट होगी, जब मैं ओ टी की वैल्यू और एस पी की वैल्यू रख दूंगी। मुझे ओ टी और एस पी की वैल्यू निकालनी है, ओ टी की वैल्यू तो मैं ट्रायंगल ओ टी एम से निकालूंगी, और एस पी की वैल्यू ट्रायंगल एस पी एस एम पी से निकालूंगी। पहले ओ टी एम से ओ टी की वैल्यू निकालते हैं, इसमें ओ टी की वैल्यू के लिए अब इसमें देखो परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेनियस क्या है, ये थीटा है, और जो थीटा के सामने होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर, तो मतलब आपका टी एम क्या है, परपेंडिकुलर, टी एम आपका परपेंडिकुलर है। तो आइए लगाते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ओ टी एम से निकाल रहे हैं कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस बेस क्या होगा, ये तो हो गया आपका टी एम, तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गई, ये परपेंडिकुलर जा रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस हो गई और ये बेस हो गया, तो मतलब ओ टी तो बेस हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस तो हो गया ओ टी, हाइपोटेनियस हो गया ओ एम। ओ टी की वैल्यू नहीं पता, यही तो फाइंड आउट करनी है, ओ एम की वैल्यू पता है हमें एक्स, तो ओ टी की वैल्यू क्या निकल गई आपकी, एक्स कॉस थीटा, तो ओ टी की वैल्यू अपन एक्स कॉस थीटा निकाल चुके हैं, उसको हम इसमें रख देंगे। अब दूसरी लेते हैं, अब निकालना है हमें एस पी, अब एस पी की किससे निकालेंगे, आ जाओ दूसरा डायग्राम देखते हैं, ये रहा एस पी एम, ये दिख रहा है एस एम पी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इससे मुझे निकालना है इसकी वैल्यू, एस पी की वैल्यू, एस पी की वैल्यू कहाँ है आपकी, अब इसमें पहले ये देख लेते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस क्या है, 90 और ये थीटा, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 के सामने ये हाइपोटेनियस हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है इसमें, एस पी की, एस पी मतलब मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, जब परपेंडिकुलर निकालना है तो मुझे लगाना पड़ेगा साइन, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इतने का, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल ले रही हूँ, इन ट्रायंगल एस एम पी, इसमें लगा रही हूँ मैं साइन थीटा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है एस एम पी में, एस पी, और हाइपोटेनियस क्या है एम पी, एस पी अपॉन एम पी, एस पी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एम पी, एम पी की वैल्यू कितनी किसके बराबर है, वाई के बराबर,
तो इसकी लग दी बाई। वैल्यू किसकी निकालनी है? एसपी की। एसपी क्या निकल जाएगा? एम साइन वाई साइन थीटा। ये दो एक दो आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ये इक्वेशन सेकंड मानी और ये इक्वेशन थर्ड मानी। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू जो रख देंगे वो हम कौन सी इक्वेशन में रख देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं एस पी और ओ टी की वैल्यू, तो हमें किस कौन सा मिल जाएगा? एक्स डैश कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएगा। आइए पुटिंग द वैल्यू ऑफ, रख रही हूँ मैं इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में रखते हैं, आइए एक्स डैश बराबर ओ एम डैश बराबर ओ टी प्लस एस पी। ओ टी की वैल्यू क्या है? एक्स कॉस थीटा प्लस एस पी की वैल्यू क्या है? वाई साइन थीटा। ये एक्स डैश की वैल्यू निकल गई, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फोर्थ। ये तो एक्स डैश निकाल दिया, अब निकालेंगे अपन वाई डैश। अब वाई डैश देखिए कहाँ से निकलेगा, एक्स डैश निकल चुका है, अब निकालना है अपन को वाई डैश। वाई डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी? आइए ओ एन डैश, ओ एन डैश किसके बराबर है? वाई डैश के बराबर है। ओ एन डैश कैसे निकाल सकते हैं? ओ एन डैश किसके बराबर आ रहा है अपन का? पी एम डैश के बराबर। ओ एन डैश की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं ओ एन डैश टी एस के बराबर भी है, ये टी एस दिख रहा होगा आप लोगों को, ये रहा टी, ओ एस ओ एन डैश जो है वो टी एस के बराबर है। अगर एम एस में से मैं टी एस माइनस कर दूं तो आपका क्या बचेगा? ओ एन डैश। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पहले। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं निकाल रही हूँ वाई डैश की वैल्यू। वाई डैश किसके बराबर है? ओ एन डैश के बराबर है। ये रहा y डैश। ओ एन डैश को क्या लिख सकती हूँ मैं? टी एस, टी एस। और टी एस को क्या लिख सकती हूँ मैं? एम एस माइनस एम टी। तो एम एस में से एम टी माइनस करके टी एस निकलेगा, एम एस माइनस एम टी। अगर मैं एम एस में से एम टी को माइनस कर दूँ तो हमारा निकल जाएगा टी एस की वैल्यू। अब आपको एम एस और एम टी की वैल्यू चाहिए, आ जाइए सबसे पहले एम एस निकालेंगे फिर एम टी निकालेंगे। अब इसके लिए फिर दोबारा से ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। पहले मैं एम टी निकालती हूँ। एम टी निकालने के लिए ट्रायंगल कौन सा चाहिए? ओ टी एम। इन दोनों ट्रायंगल में निकालते हैं, आ जाओ जरा। फोर तक आ गई थी, इसको डाल देना फिर। इन ट्रायंगल ओ टी एम, मुझे एम टी की वैल्यू चाहिए। एम टी यहाँ पर किसका काम कर रहा है? ये अगर एंगल है तो एंगल के सामने होता है अपन का परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है तो मतलब आपको लगाना पड़ेगा साइन थीटा। साइन होता है परपेंडिकुलर कौन? हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? एम टी। हाइपोटेनियस क्या होगी इसके अंदर? 90 के सामने ओ एम डैश ओ एम एम टी। ओ एम की वैल्यू कितनी है? एक्स। तो एम टी की वैल्यू कितनी निकल गई? एक्स साइन थीटा। अब निकालना है एम एस। एम एस देखो किस ट्रेंगल से निकलेगा? एम एस। तो कौन से ट्रेंगल से निकल रहा है? एस पी एम ट्रेंगल से। लगाइए इन ट्रेंगल एस पी एम। एस पी एम निकालना क्या है? एम एस। एम एस, एम एस किसका काम कर रहा है? ये परपेंडिकुलर है, ये तो परपेंडिकुलर हो गया।
या हाइपोटेनियस हो गया, बेस निकालना है, और बेस के लिए लगाते हैं अपन कॉस, लगाइए कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है यहाँ पर एम एस, हाइपोटेनियस क्या है पी एम, एम एस की वैल्यू कितनी है नहीं पता, पी एम की वैल्यू कितनी है वाई, तो एम एस क्या निकला वाई कॉस थीटा, ये सिक्स आ गई और ये सेवन्थ आ गई, सिक्स और सेवन्थ की वैल्यू फिर दोबारा फाइव में रख दीजिए और फिर निकल जाएगी आपकी वाई डैश की वैल्यू, स्क्रीनशॉट लीजिए। लिखिए आगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम टी एंड एम एस इन इक्वेशन फिफ्थ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सिक्स्थ एंड सेवन्थ इन इक्वेशन फिफ्थ, फिफ्थ में रख रही हूँ, रख दीजिए वाई डैश बराबर एम एस, एम एस की वैल्यू कितनी निकली वाई कॉस थीटा, माइनस एम टी की वैल्यू क्या निकली एक्स साइन थीटा, ये क्वेश्चन नंबर आ गई एट्थ, दो क्वेश्चन निकल गई हमारी, क्वेश्चन एट्थ और हमने एक्स डैश वाली निकाली थी वो, अब x डैश की वैल्यू आ गई, y डैश की वैल्यू आ गई, अब रह गई है लास्ट z डैश की वैल्यू, और जब हमें पता है z और z डैश तो दोनों एक दूसरे के को ओवरलैप कर रहे हैं, तो z और z डैश की वैल्यू क्या रहेगी सेम, अगर सेम रहती है तो z और z डैश की वैल्यू क्या है दोनों की सेम, इसको डाल देंगे क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। अब तीन क्वेश्चन आ गई हैं एट्थ नाइन्थ, और x डैश की वैल्यू निकाली थी उसकी इक्वेशन नंबर क्या डाली थी लिख के बताइए मुझे जरा, x डैश की वैल्यू जो निकाली थी उसकी इक्वेशन नंबर क्या डाली थी मैंने, क्या हुआ जवाब दो, मैंने वो डाली होगी शायद, क्या डाली थी याद नहीं है तुम लोगों को, दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, क्या डाली थी मैंने इक्वेशन नंबर एक्स डैश वाली को, जो भी डाली थी। चलिए अब इन तीनों को मैं मैट्रिक्स रूप में लिख रही हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, आते हैं जरा, पहले इन तीन इक्वेशन को टेंसर फॉर्म में लिखते हैं फिर मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे इनकी। इक्वेशन एट्थ नाइन्थ शायद फोर्थ होगी, फोर्थ इन टेंसर फॉर्म, टेंसर फॉर्म में लिख रही हूँ, टेंसर फॉर्म में जब लिखते हैं तो पहले एक्स डैश था, एक्स डैश को कैसे लिखते हैं एक्स बार वन, ठीक है एक्स डैश बराबर था एक्स कॉस थीटा, तो एक्स को लिखते हैं एक्स वन कॉस थीटा, वाई साइन थीटा, वाई को लिखते हैं एक्स टू साइन थीटा,